महाराज कुमार की जय हो, महाराज कुमार की जय हो। क्या है? एक गुप्तचर कोई समाचार लेकर आया है। गुप्तचर? बुलाओ उसे। क्या समाचार है? आचार्य द्रोण कल सम्राट युधिष्ठिर को बंदी बनाने का प्रयत्न करने वाले हैं। आचार्य द्रोण अपने आप को समझते क्या है? क्या वो ये समझते हैं कि हमें युद्ध कला नहीं आती? क्या सम्राट युधिष्ठिर एक निस्सहाय गऊ है जिसे रणभूमि से हका लिया जाए? युद्ध में क्रोध से नहीं समझ से काम लेना चाहिए युवराज दृष्टद्युम्न। आचार्य स्वयं क्या समझेंगे अपने को, उन्हें तो हम समझते हैं। उन्हें समझता है पार्थ, उन्हें मजले भैया भीम समझते हैं। आचार्य तो पितामह से भी कहीं अधिक कठिन लक्ष्य हैं, क्योंकि वे तो यह भी नहीं बताएंगे कि उन्हें रणभूमि से हटाने का उपाय क्या है। उनका उपाय तो हम ही लोगों को सोचना पड़ेगा। आप बड़े भैया की सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। दुर्योधन ने यह बड़ा ही अचूक वाण चलाया है, क्योंकि वो जानता था कि चाहे आचार्य द्रोण कहें या ना कहें, किंतु पांडवों का वध करने में वे संकोच अवश्य करेंगे। तो दुर्योधन ने उनकी आत्मा के कंधे से यह बोझ ही हटा दिया। किंतु यदि वे बड़े भैया को बंदी बनाने में सफल हो गए तो यह युद्ध ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि युद्ध बंदी तो दास हो जाता है, और आधुनिक समाज में दास व्यक्ति नहीं होता, एक वस्तु हो जाता है। तो उनके दास हो जाने के उपरांत इंद्रप्रस्थ पर उनका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। यदि बड़े भैया वीर गति को प्राप्त हुए तो यह युद्ध अवश्य चलता रहेगा, क्योंकि इंद्रप्रस्थ के उत्तराधिकारी एक नहीं अनेक हैं। परंतु दास को तो जब अधिकार ही नहीं होता तो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? इसलिए सेनापति दृष्टद्युम्न, महाराज युधिष्ठिर की सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। पुत्र वासुदेव ठीक कह रहे हैं। गुरुदेव आदरणीय अवश्य है महाराज, किंतु इधर भी उनके कई शिष्य हैं, और फिर आप हैं उनके गुरु भाई। सात्यकी हैं, मत्स्य नरेश हैं। प्रधान सेनापति ने यह तो ठीक ही कहा था कि भ्राताश्री कोई असहाय गौ नहीं जिसे गुरुश्रेष्ठ रणभूमि से हांक ले जाएं।